यदि आप भी अपने मोबाइल में एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को चलाना चाहते हैं या आप अपने फ़ोन में मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं जिसके मदद से जैसे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और साथ में आपको फेसबुक इस्तेमाल करना पड़े, साथ में यूट्यूब आपको इस्तेमाल करे, साथ में आपको गैलरी इस्तेमाल करना है, तो कैसे आप कर पाएंगे? तो आज इस वीडियो में यही जानेंगे। तो हमारे चैनल पर एक सीरीज वीडियो चल रही है जिसके ऊपर मैं स्पेशल फीचर्स के ऊपर वीडियोज बनाता हूँ। तो ये सीरीज वीडियो नंबर 3 है जिस पे गेम टर्बो और वीडियो टूल बॉक्स हमने बना दिया है, आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं फ्लोटिंग विंडोज के बारे में, ये सिस्टम है क्या और ये आपके फ़ोन में काम कैसे करता है इसके बारे में जान लें। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कोई सेटिंग ऑन करने का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये वीडियो टूल बॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं और साथ में एक और सेटिंग्स के जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्यूटोरियल दिख जाएगा ओपन फ्लोटिंग विंडोज, ये एग्जैक्ट ट्यूटोरियल बताएगा कि आप कैसे इसका ओपन कर सकते हैं, कैसे क्लोज कर सकते हैं, कैसे मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे ओपन फ्लोटिंग विंडोज है तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक कर्सर आ रहा है इसको खींचने के लिए। तो यहाँ से कर जैसे ही हम नीचे में स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे नाइस आ चुका, यानी कि हमने इसे कंप्लीट कर दिया। तो इसी प्रकार यहाँ से मूव फ्लोटिंग विंडोज, यदि आपको फ्लोटिंग विंडोज़ को मूव करना है तो आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करके और यहाँ से मूव कर सकते हैं। बाकी ये सब प्रैक्टिकल भी हम करके देखेंगे, बाकी आप यहाँ से सब चीज़ कर सकते हैं। क्लोज विंडोज करना है तो आप यहाँ नीचे से पकड़ कर और इसको स्वाइप अप कर देंगे तो क्लोज हो जाएगा। और इसको व्यू फ्लोटिंग विंडोज इन फुल स्क्रीन मोड, तो आपको यहाँ से कर और नीचे में स्वाइप कर देना है तो ये फुल स्क्रीन मोड हो जाएगा। और मिनिमाइज करना है तो आपको यहाँ से क्लिक करके और एक कॉर्नर पे स्वाइप कर देना है तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। अब तो ये रहा ट्यूटोरियल, अब ये एक्चुअली में काम कैसे करता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो फर्स्ट सेटिंग्स है वो जुड़ा हुआ है वीडियो टूल बॉक्स के बारे में, तो इस वीडियो टूल बॉक्स के साथ कैसे यूज करना है वो बाद में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इसका डायरेक्ट यूज कैसे होता है। तो मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में व्हाट्सअप को ओपन किया, तो आप यहाँ पे जो व्हाट्सअप ओपन कर रहे हैं तो आप चाहते हैं साथ में हम यहाँ पे गैलरी यूज कर पाए या कोई भी, तो जैसे कि यहाँ से हम पहले गैलरी को ओपन कर लेते हैं। जैसे कि हमने गैलरी को ओपन किया और यहाँ से इसको कट कर दिया, और जैसे आप रिसेंट जो मल्टीटास्किंग का निकालते हैं उसको आप यहाँ से निकालेंगे और व्हाट्सअप को आप कहीं भी यूज करना चाहते हैं दूसरे एप्लीकेशन के साथ, तो जैसे ही आप व्हाट्सअप पे टैप करते रहिएगा तो आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे फ्लोटिंग विंडोज का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसे आपने ट्यूटोरियल में देखा उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक सेटिंग सा देखने को आ गया है, एक पॉपअप सा आ गया है जो कि एक छोटी सी स्क्रीन में आपका व्हाट्सअप चल रहा है। आप इसे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो कर्सर दिया हुआ है उस पर आप टच करके इसे मूव कर सकते हैं। इसे आप छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो किसी भी एक कॉर्नर पे क्लिक करके और इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा करना चाहें। यदि आप इसे मिनिमाइज करते हैं तो इसको क्लिक करके यहाँ पर कर देंगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, और क्लोज करना है तो आपको यहाँ से करना है और फिर यहाँ से स्वाइप अप कर देना है। तो अब बात करते हैं कि ये दो ऐप के साथ कैसे चलेगा। तो मान लीजिए हम गैलरी पे करना है तो यहाँ पे होल्ड कर और ये वाला ऑप्शन को टिक करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ से व्हाट्सअप पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे हम व्हाट्सअप ही यूज कर पा रहे हैं और साथ में गैलरी भी यूज कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका पहला यूज है जो कि डायरेक्ट है। अब बात करने वाला हूँ कि इसका वीडियो टूल बॉक्स के साथ कैसे यूज होता है। इसका वीडियो टूल बॉक्स के साथ यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको वीडियो टूल बॉक्स यूज करना आना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने वीडियोज बना दिया है, आई बटन पे लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी इसे करने के लिए जैसे आप यूट्यूब में वीडियो टूल बॉक्स लगाते हैं तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे साइड पे एक लेफ्ट में एक आइकन मिल जाएगा, जब आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा एप्लीकेशन नीचे आ रहा है। तो जिस भी एप्लीकेशन को आप यूट्यूब के दौरान यूज करना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सअप है तो हम व्हाट्सअप पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे जो व्हाट्सअप है वो ओपन हो चुका है और साथ में यूट्यूब भी यहाँ से ओपन हमारा हो चुका है। तो आप यहाँ से यूट्यूब भी चला सकते हैं और साथ में व्हाट्सअप भी चला सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भी आप यहाँ से कॉर्नर पर क्लिक करके इसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसे इधर उधर
मूव कर सकते हैं या फुल स्क्रीन करना है तो आपको यहाँ से ड्रॉ कर देना होगा और फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ इसका सेटिंग्स है जो कि आप मल्टीपल ऐप्स के दौरान यूज कर सकते हैं।